आज हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में, जो कि शुरू होने वाले हैं 22 जनवरी 2023 को। चलिए अब हम जानते हैं इसकी मान्यता क्या है। सनातन धर्म में और हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है नवरात्रि। वर्ष में 4 बार आते हैं नवरात्रि, 2 बार आते हैं गुप्त नवरात्रि, 2 बार आते हैं प्रकट नवरात्रि। जो गुप्त नवरात्रि होते हैं एक बार पड़ते हैं माघ और औषाढ में, और जो प्रकट नवरात्रि होते हैं अश्विन माह और शारदीय में पड़ते हैं। तो आप सभी जानते हैं शारदीय नवरात्रि तो बहुत ही प्रचलित है और सभी मन मनाते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, जो कि हमारी तंत्र विद्या या साधना या फिर शक्तियों को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। सभी लोग, आम लोग नहीं यह व्रत रखते, इसकी पूजा अर्चना करते या जो मोस्टली होते हैं साधक करते हैं इसकी पूजा। और कोई भी आपको अपनी गुप्त, कोई आपकी इच्छा है या फिर आप अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं या आपका बहुत ही समय से कोई कार्य अटका है, तो आप माघ माह के गुप्त नवरात्रि ज़रूर अर्चना कीजिएगा, उसमें ज़रूर व्रत रखिएगा। देखिएगा आपके काम कितनी ही जल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें माँ आपकी सुनती बहुत ही जल्दी है और जल्दी ही शक्तियाँ आपको प्रदान करती हैं। भगवान राम ने भी माँ की अर्चना, पूजा, आराधना, साधना करके अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त की थी। ऋषि विश्वामित्र, उन्होंने भी यह शक्तियाँ प्राप्त की थी माँ की अर्चना करके। ऋषि वशिष्ठ ने भी माँ की साधना करके अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त की थी। अगर आप भी कोई भी साधक या साधिका इस कोई भी एक अनेक प्रकार की शक्ति चाहते हैं या माँ की कोई भी आप ऊर्जा चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस टाइम पे व्रत रखिएगा और माँ की अर्चना कीजिएगा, आपकी इच्छा बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। आइए चलिए बात करते हैं कौन सी तिथि को स्टार्ट हो रहे हैं हमारे गुप्त नवरात्रि। हमारे नवरात्रि स्टार्ट होंगे 22 जनवरी 2023 से 30 जनवरी 2023 तक रहने वाले हैं। प्रतिपदा जो स्थिति रहने वाली है, जो तिथि रहने वाली है, वो होगी रात्रि 2:22 से शुरू हो जाएंगे। प्रतिपदा तिथि जो समाप्ति की रहने वाली है, वो आपकी रहेगी 22 जनवरी 10:27 की सुबह को। तो आप कोई भी या फिर कलश स्थापना करना चाहते हैं तो सुबह आपको करनी है 9:37 से लेकर 10:46 यानी सुबह के समय आप ये घट स्थापना भी कर सकते हैं। जब भी आप कलश रखें तो दाहिनी ओर रखना है आपको, जहां पर भी आपने माँ का चौकी या आसन लगाया होगा उसकी दाई स्थल पे आपको रखना है। जब आप पूजा अर्चना करेंगे तो आपको नीचे लाल रंग का ऊनी कपड़ा लेना है। माँ की जो आप चौकी सजाएंगे यानी जो आसन आप सजाएंगे, माँ का जो पट होगा आपका, वो आपने रखना है पूर्व, यानी ये पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में। उसी के दाहिने तरफ आपने रखना है कलश। कोई बात नहीं अगर आप लोग घट स्थापना नहीं कर पा रहे, कलश स्थापना नहीं कर पा रहे, पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे, तो सुबह शाम आपने घी का दीपक ज़रूर जलाना है, एक बार सुबह एक बार शाम को। और आपको आपकी जो भी इच्छा है माँ के आगे अर्पित कीजिए और सुबह आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कीजिएगा। और आपको जब भी पूजा ये शुरू करनी है, पहले करने हैं आपको जाप गणेश जी का, उसके बाद आपको मंत्र करने हैं महादेव के हमारे, क्योंकि कोई भी पूजा अर्चना हमारे महादेव के बिना अधूरी ही है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, लंबे समय से परेशान हो रहे हैं या कोई अड़चन आ जाती है, कोई शादी में भी इस टाइम पे बाधाएं चल रही हैं, पति पत्नी में आपसी कलेश है या फिर आपकी शादी विवाह में कोई ना कोई अड़चन आ रही है या किसी ने बांध रखा है आपका शादी या विवाह, तो आपको तीसरा जो नवरात्र होता है, तृतीय नवरात्र जिसे हम बोलते हैं माँ दुर्गा का, उसकी ज़रूर आराधना करनी है। माँ को लाल रंग का पुष्प आपको चढ़ाना है, उसके बाद आपको माँ की और महादेव यानी आदि शक्ति दोनों की आपको आराधना करनी है, पूजा अर्चना करके व्रत रखना है। और आपके पति की लंबी आयु भी होगी, बीमार अगर आपके पति चल रहे हैं उनकी आयु भी अच्छी होगी, उनकी सेहत भी अच्छी होगी, विवाह भी आपका जल्दी पूर्ण होगा। इसमें कौन कौन से महाविद्याओं के माँ के स्वरूपों की पूजा की जाती है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। प्रथम व्रत जो माना जाता है वो माँ काली के नाम होता है। तो माँ काली जो आपकी समस्त मनोकामनाएं हैं, कोई भी आपकी इच्छा है, तो आप माँ काली की अर्चना कीजिए, आराधना कीजिए, सिद्धि प्राप्त कीजिए। सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, देर रात्रि आप पूजा अर्चना कीजिए, उनका जाप कीजिए और देखिए आपकी कितनी जल्दी ही जो भी आपकी इच्छा है, गुप्त इच्छा है, और अपनी इच्छाओं को गुप्त रखना है, इसीलिए इसका नाम गुप्त नवरात्रि कहा गया है। तो आपको इच्छाएं भी गुप्त रखनी है और अपनी पूजा अर्चना भी गुप्त रखनी है, सबको नहीं बताना इस बारे में।
दूसरा जो हमारा नवरात्रा माना जाता है वो होता है माँ तारा का, जिनका स्वरूप नीला होता है। इसके लिए ये रखा जाता है तेज के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, और या फिर किसी को ज्ञान प्रदान करने के लिए इनके रूप की पूजा की जाती है। तीसरा होता है हमारा त्रिपुर सुंदरी माँ का रूप, यह शारीरिक सुंदरता के लिए रखा जाता है, और किसी पर भी वशीकरण करना हो तो यह माँ की आप आराधना यानी सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी को मोक्ष चाहिए हो तो मोक्ष में भी आप माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। जो चौथा हमारा नवरात्रा होता है माँ भुवनेश्वरी का होता है, यह रखा जाता है यश के लिए, वैभव के लिए, सुख के लिए, संपत्ति के लिए। किसी के भी कामों में अड़चने आ रही है, आपका काम नहीं चल रहा, काम ठप हो गया, या काम में किसी ने बांध दिया है, तो आप यह जरूर करके देखिएगा। पांचवा जो हमारा नवरात्रा आता है वो आता है माँ छिन्नमस्ता का। अगर आपकी संतान नहीं है, या आपको संतान सुख में दिक्कतें आ रही हैं, या आपकी संतान हो चुकी है और बीमार रहती है, तो आपको इस माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए भौतिक सुख के लिए, समस्त शक्तियों के लिए। जो भी साधक इसकी शक्तियाँ चाहते हैं वो ज़रूर माँ का व्रत रखे। पाँचवा नवरात्रा जो होता है वो रखा जाता है माँ छिन्नमस्ता के नाम पर। जो हमारा छठा नवरात्रा होता है माँ भैरवी का होता है, यह सुख शांति का प्रतीक होता है। तो आप अगर सुख शांति चाहते हैं अपने जीवन में तो ज़रूर माँ की आराधना कीजिए। सातवां नवरात्रा हमारा होता है माँ धूमावती का। ज्ञान और वैराग्य की देवी मानी जाती है माँ धूमा देवी। इसके बाद हम आठवां नवरात्रा हमारा माँ बगलामुखी का, शत्रु भय इनका नाश करती है। राजनीति में अगर आप जीत चाहते हैं, विजय चाहते हैं, अगर आप राजनीति में कार्य करते हैं, तो ज़रूर माँ के नाम का हवन कीजिए और उनकी आराधना उस दिन ज़रूर कीजिएगा। आपके विशेष काम पूर्ण होंगे, आप देखिएगा। नौवां नवरात्रा होता है माँ मातंगी का। यह समस्त वेद विद्यान की देवी मानी जाती है और सिद्धियों की प्राप्ति इन्हीं से ही होती है। दसवां माँ कमला का रूप होता है, धन वैभव यश वही देती हैं। तो आप सभी इन माँओं की पूजा कर सकते हैं, इनके स्वरूपों की पूजा अर्चना करके अपने दुखों के संकट को दूर कर सकते हैं। आपके जीवन में जितने भी दुख होंगे माता रानी अपने साथ ही ले जाएंगी। हर हर महादेव।